सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं डिफरेंट मजा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ YouTube मोनेटाइजेशन डिसेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्सर दोस्तों के पास एक ऐसी फेक कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है जिसकी वजह से उनकी जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाती है और बंदा खपता रहता है और उसका कोई ना सोल्यूशन मिलता है, ना यूट्यूब वाले कोई उसका सोल्यूशन बताते हैं और ना ही कोई मतलब उसका कोई ऐसा कोई प्रॉपर वे रखा गया है जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल एक चैनल के ऊपर एक इस तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी जिसकी वजह से मेरा जो चैनल की मोनिटाइजेशन थी वो डिसेबल हो गई थी और उसकी वजह से मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि एक तो एक तरफ यूट्यूब कहता है कि हम आपको पहली जो स्ट्राइक है वो वार्निंग के तौर पर देते हैं और वहाँ पे वार्निंग के साथ साथ आपकी मोनेटाइजेशन को भी डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर काफ़ी जो है वो खपा हूँ, इसके ऊपर काफ़ी मैंने अपना सर्चिंग वगैरह की है तो मैं मुझे इसका क्या रिजल्ट मिला है, क्या किस तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को बनाए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। दोस्तों मेरा एक चैनल था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो मुझे उसके ऊपर एक कॉपीराइट सॉरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो देखने को मिली थी। तो मैंने उसको पहले तो मैंने इस चीज़ को खुद चेक किया कि क्या वाकई उसके ऊपर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक थी या नहीं थी। तो जहां तक मैंने अपनी वीडियो को चेक किया तो वहां के ऊपर यूट्यूब की किसी भी किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं थी और मुझे एक फेक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो भेजी गई थी। इसी तरीके से यूट्यूब जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो अक्सर फेक भेज देता है। अब यहाँ पे मसला ये बनता है कि जैसे यूट्यूब को तरफ से कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है या कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो फौरन से आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर देता है। अब यहाँ पे यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है उसके अंदर एक चीज उन्होंने वाजे की हुई है कि हम आपको जब फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देते हैं तो वो फर्स्ट वार्निंग होती है, वो आपकी वार्निंग स्ट्राइक काउंट नहीं होती है, बट वार्निंग के साथ साथ वो आपकी मोनेटाइजेशन को भी डिसेबल कर देते हैं जिससे आपकी जो मेहनत है, आपका जो वक्त आपने जाया किया होता है वो सारा जाया हो जाता है। अब दोस्तों इस तरीके को आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, देखिए अगर आपके पास पहले नंबर पे अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है या कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, ठीक है, तो YouTube देता है आपको एक अपील का ऑप्शन। अब उस अपील के ऑप्शन के अंदर लोग कुछ ये लिखना स्टार्ट कर देंगे, यार हमसे गलती हो गई है, हम मानते हैं चीज को, हमने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की है या हमने कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो आप इसे इस चीज को जो है रियलाइज करें, हमारे स्ट्राइक को ऑन करें। तो अगर आप इस चीज को दोस्तों इस तरीके से करेंगे, आप लिखेंगे, तो यकीन माने कि आप कभी भी जो है वो YouTube आपकी इस बात को नहीं मानेगा और आपकी मोनेटाइजेशन हमेशा डिसेबल ही रहेगी। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि YouTube जब आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट का जो स्ट्राइक आपको भेजता है तो उसके साथ एक मेल पे देता है कि यू हैव सस्पेंडेड मोनेटाइजेशन ऑन योर चैनल, ठीक है, और उसके नीचे ये लिखा होता है कि 90 दिन के लिए हमने आपकी मोनेटाइजेशन को सस्पेंड कर दिया है। 90 दिन तक आप अपनी मोनेटाइजेशन को जो है वो ऑन नहीं कर सकेंगे, ऑन क्या करनी है वो शो ही नहीं होगी, ठीक है। अब आपने करनी है अपील, अगर आपके पास आती है कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तो आपने अपील करनी होती है, ठीक है। अपील के अंदर दोस्तों एक बात मैं आपको वाजे बता दूं कि आपने ये लिखना होता है कि भाई ये कॉपीराइट और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो भी आपके पास आती है या आपके पास आई हुई है तो ये लिखना है कि यार आपने ये हमें फेक कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट स्ट्राइक जो है भेजी है, हमारी वीडियोस आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर पूरी उतरती है, आपकी किसी भी चीज की किसी भी गाइडलाइन की जो है वो वायलेशन नहीं कर रही है। जब आप ये लिख के भेजेंगे तो आपकी जो वीडियो है यूट्यूब उसको रिव्यू करेगा दोबारा से और दोबारा उसको जो है वो मोनिटाइज आपके चैनल की मोनिटाइजेशन ऑन कर देगा और आपकी वीडियो वापस आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक बात वाजे मैं आपको बता दूं कि इस चीज के अंदर आपको इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि आपकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है, आपकी जो वीडियो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ ना हो और आपकी जो वीडियो है वो कॉपीराइट उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कॉपीराइट आ जाता है तो वो उसकी जो है वो खिलाफवर्जी करेगा। मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेकर चलता हूँ, वहां पे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने जो चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है या कॉपीराइट स्ट्राइक आई है जिसकी वजह से आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हुई, आपने अपील किस तरीके से करनी है, ठीक है। ये मैं आपको अपने लैपटॉप पे समझा देता हूँ और आप इसी तरीके से अगर करेंगे तो मैं आप गारंटी देता हूँ कि आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैंने उनको अपील की थी और अपील बड़े अच्छे तरीके से लिखी थी, लिखने के बाद मैंने उनको जब अपील की थी तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर उनकी मेल आ गई थी कि भाई हमने आपकी वीडियो को रीइंस्टॉल कर दिया है और जो है आपकी मोनेटाइजेशन है वो भी ठीक कर दी है। तो चलिए लैपटॉप पे आपको तरीका का समझा देता हूँ, तरीके को अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो गाइडलाइन आपकी जो मोनेटाइजेशन है अगर इन दो वजह कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से या कॉपीराइट की वजह से डिसेबल हुई है तो वो इनेबल हो जाएगी।
जी हाँ दोस्तों, जो मैं आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों, अगर आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है या कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और आपकी जो चैनल की मोनेटाइजेशन है वो हो जाती है डिसेबल, तो ऐसे में आपको करना ये है कि आपने जाना है अपने चैनल के डैशबोर्ड के अंदर, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे तो आपका चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जो चैनल डैशबोर्ड के नीचे एक आपको कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट स्ट्राइक का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कम्युनिटी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है। तो जैसे ही आप वार्निंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो के ऊपर लिखा हुआ है कि आपको ये वार्निंग दी गई है, ठीक है। अगर आपको वार्निंग नहीं भी दी गई होगी तो उसके बाद आपको स्ट्राइक मिल जाएगी, एक स्ट्राइक, दो स्ट्राइक। तो दो स्ट्राइक आने के बाद सबसे पहले जिस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आएगा या आपके पास आएगा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, एक अपील का ऑप्शन है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो अपील का ऑप्शन है आप इसको मेरे जस्ट वन टाइम यूज कर सकते हैं। तो एक दफ़े जब आपने अच्छे से अपनी अपील को लिखना है ताकि आपको दोबारा से ये मसला ना बन जाए, अगर क्योंकि आप पहली दफ़े कोई गलती कर सकते हैं तो दोबारा आपके सामने ये ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, आप लोगों ने चले जाना है अपील के अंदर। अब अपील के अंदर आपके सामने ये आपकी एक वीडियो आ जाएगी और यहाँ पे लिखा होगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन द रीज़न फॉर यू अपील, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का आप लोगों ने बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपकी जो कम्युनिटी, आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन जो स्ट्राइक है और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके रूल्स को पूरा उतरती हो, ठीक है। अगर छोटी मोटी कम्युनिटी गाइडलाइन है तो आपने उसको इग्नोर करना है और यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आई है तो आपने इस चीज़ को देखना है कि यार उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो, लेकिन अगर होती भी है तो यहाँ पे आपने लिखना है कि डियर यूट्यूब, आई हैव रिसीव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑन माई चैनल, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि आई हैव रिसीव फेक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक इन माई वीडियो, आई एम नॉट वॉयलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इन माई वीडियो, माई वीडियो इज क्लियर फॉर योर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, माई वीडियो इज एग्जैक्ट एंड नॉट वायलेट एनी कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट स्ट्राइक, प्लीज रिव्यू माई वीडियो एंड री ओपन माई मोनिटाइजेशन एंड री इंस्टॉल माई वीडियो, थैंक्स। तो दोस्तों, ये सब लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे या जब आप अपनी अपील को सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद या फौरन जो है वो YouTube की तरफ से आपको एक मेल आ जाएगी कि आपकी अपील को हमने आपकी वीडियो को हमने रिव्यू कर लिया है। अगर आपकी रिव्यू के आपकी इस अपील के अंदर थोड़ा सा दम होगा, वैसे तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 50% ही होता है कि YouTube जो है वो वीडियो को रीइंस्टॉल कर दे, बट अगर आप ये लिखेंगे ना कि आपने फेक भेजी है तब YouTube जो है इसकी थोड़ा सा मान लेता है। लेकिन अगर आपकी वीडियो मुकम्मल तौर पर कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफवर्जी कर रही है, आपकी वीडियो है ही कॉपीराइट है, तब YouTube तो नहीं मानेगा, बट छोटी मोटी चीज़ों के जो है वो इग्नोर रहते हैं, बिकॉज मेरी जो वीडियो है वो इग्नोर हो गई थी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने इस तरह की एक एक्सप्लेन लिखनी है, यूट्यूब को सबमिट कर देनी है। तो आई होप जो आपकी वीडियो है, आपकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली है वो आपकी क्लियर हो जाएगी और आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।